हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम अज दूजे दिन भी जारी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सूबा सकत्तर ने सिरसा विच भी मोर्चा संभाल रखा। दस दिए कि हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में सूबे के हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार खिलाफ धरना लगा रखा है। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि सरकार लंबित मंगों को जल्द तो जल्द पूरा करे। हरियाणा रोडवेज दी दो दिवसीय हड़ताल के कारण आम जन खासी परेशानियों का सामना करना पै रहा है। उत्थे सूबा प्रधान दलबीर सिंह किरमारा और सरबत सिंह पूनिया सरसा में मीडिया के नाल रूबरू भी होए हैं। इस मौके उन्होंने की कुछ कहा, आओ तुहानू सुनाउने हैं। जो ट्रेड यूनियन के आह्वान पे पूरे देश भर में जो दो दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का जो फैसला लिया गया था, इसके लिए मैं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि जिस मेहनत के साथ, जिन मुद्दों को लेके जो हड़ताल की कॉल की गई थी, उससे सरकार को सबक लेना चाहिए कि सही मायने में आम जनता में, किसान में, कर्मचारी में, मजदूर में, सभी में सरकार के प्रति एक रोष था। उस रोष को देखते हुए पूरे प्रदेश भर में जहां 2600 बसों का संचालन होता था, वहां 2400 बसों का संचालन बंद रहा और 90% हड़ताल बिल्कुल पूरी तरह से रोडवेज का चक्का जाम करके रोडवेज के कर्मचारियों ने ये जता दिया है कि सरकार समय रहते हमारी बात सुन ले, नहीं तो आगे और बड़े आंदोलन होंगे। क्योंकि जो हमारे बीच में एक पेंशन का मुद्दा है, वाक्य में ये बहुत ज़रूरी है कि जब 35 और 40 साल लगातार कर्मचारी काम करके घर जाता है तो एक बुढ़ापे का सारा वो पेंशन है, और पूर्व की बीजेपी सरकार ने ये पेंशन बंद करके पूरे देश के और प्रदेश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। और अभी चंद दिनों पहले राजस्थान में, पंजाब में जो पेंशन दोनों स्टेटों में लागू की गई है, उसको लेके हरियाणा की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस पेंशन को लागू जब तक नहीं किया जाता, हमारा आंदोलन पूरी तरह से जारी रहेगा। दूसरी तरफ जहाँ जो सरकारी विभाग हैं जो जनहित के लिए हैं, चाहे वो आप लोगों के सामने है, थोड़े दिन पहले जब कोरोना आया था तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, प्राइवेट लोगों ने हर जगह हाथ खड़े कर दिए थे, और जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने दिन रात मेहनत करके और जनता को बचाने का काम किया। इसलिए आज जो सरकार किसी हर विभाग का जो निजीकरण करना चाहती है, अब सरकार को समझ लेना चाहिए कि ना कर्मचारी चुप बैठेगा ना जनता चुप बैठेगी। और जो ये सरकारी विभाग है, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये जनता की संपत्ति है, ये जनता के समझ में आ चुकी है। इसलिए समय रहते सरकार ने ये निजीकरण का फैसला वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसके हम ये कह रहे हैं आगे और बड़े बड़े आंदोलन करके सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बेल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।